क्या चुनाव के बाद फटने वाला है महंगाई बम? क्या इलेक्शन के बाद हर चीजें हो जाएंगी महंगी? क्या पेट्रोल डीजल के दामों में होने जा रही है बेतहाशा वृद्धि? देश के आम लोगों को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। यह झटका उनके हर चीजों का बजट बिगाड़ने वाला होगा। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई गई कि 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बाद या फिर चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। इससे जहां एक ओर सफर करना महंगा होगा तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन के बीच अनिश्चितता की स्थिति के साथ बरकरार मांग से कच्चे तेल की कीमतें छोटी अवधि में $95 से $125 प्रति बैरल के बीच रहने की उम्मीद है। INS एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद देश में पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतों में ₹15 से ₹22 प्रति लीटर बढ़ने की उम्मीदें हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां 7 मार्च या उसके बाद कीमतों में बदलाव करेंगी, जो मौजूदा राज्य में विधानसभा चुनाव मतदान का आखिरी दिन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होगा। मौजूदा समय में भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 85% हिस्से का आयात करता है। इसके अलावा तेल की ज्यादा कीमत के बड़े असर से सामान्य महंगाई में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव पिछले एक दशक से उच्च स्तर पर $117 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि शुक्रवार को इसमें कुछ नरमी जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद यह उच्च स्तर पर बना हुआ है। कच्चे तेल में कीमतों में इजाफा के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बीते 4 महीने से यथावत बने हुए हैं। ऐसे में तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ICICI सिक्योरिटीज के रिपोर्ट में घरेलुओं के बढ़ रहे घाटे पर कहा गया है कि पिछले 2 महीने में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने के कारण सरकार के स्वामित्व वाले खुदरा तेल विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अब कंपनियां इसे कम करने के लिए देश की जनता पर बोझ डालने की तैयारियां कर रही हैं। चुनाव के चलते कीमतों पर ब्रेक बता चुनाव के चलते कीमतों पर ब्रेक बता दें कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इस चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आएगा। अनुमान है कि परिणाम सामने आते ही देश की जनता पर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के रूप में महंगाई का बड़ा बम फूटने वाला है। आपको बताते चलें कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसके बावजूद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से भारतीय बाजार में 4 महीने से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि साल 2022 की शुरुआत के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता दिखा। बीते सप्ताह में गुरुवार को ही अपने साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रेंट क्रूड का भाव 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल को पार कर गया। गौरतलब है कि देश में खुदरा महंगाई पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी इसमें और इजाफा करने वाली साबित होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें एक बार चुनौती होने वाली है। दरअसल कच्चा तेल अगर महंगा हुआ तो इसका असर देश में पेट्रोल डीजल और गैस पर पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा, सब्जी फल समेत रोजमर्रा के सामानों की महंगाई बढ़ेगी,
जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम के बाद अगर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है तो सरकार की भी कोशिश रहेगी कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे जनता को ऐसी स्थिति में लोगों को कैसे राहत दिया जाए। सरकार के पास इसके लिए विकल्प यह होगा कि वह पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर कीमतों को संतुलित कर सकती हैं, लेकिन इससे सरकार के राजस्व को बड़ा असर पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाददाता टीवी, जय हिंद।